जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडलो लाडलियो, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली है एसएससी जीडी 2023 के मेडिकल को लेकर। ध्यान रखना, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल में फेल हो गए हैं या जिनका मेडिकल अभी नहीं हुआ है, अगर आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाता तो आपको क्या करना है? अगर आपको मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है, रिमेडिकल का मौका आपको नहीं मिलता, मान लो उसी दिन मिलता है, आप चाहते हो कि मुझे रिमेडिकल का एक मौका मिले, तो वो कैसे मिलेगा, उसके पीछे की मैं आपको कुछ लॉजिक बताता हूँ, उनको आप फॉलो कर लेना, ठीक है? तो मान के चलिए एसएससीडी का मेडिकल देने गए, आपको मेडिकल बेनिफिट कर दिया, वो डिपेंड करता है आपका पॉइंट कौन सा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो एसएससी की नोटिफिकेशन, आप अगर सर्च करोगे एसएससी मेडिकल रूल, तो आपको मिल जाएंगे एसएससी की नोटिफिकेशन में उसके मेडिकल के रूल मिल जाएंगे। अगर आप उस रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हो, मान के चलिए कोई ऐसी चीज जैसे टैटू के बारे में होता है कि परमानेंट टैटू नहीं होना चाहिए, राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, आपके लेफ्ट हैंड में, फिर भी आपको बार कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या करना है, समझ गए बात को? मान लो आपके राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में आपको बार कर दिया, या आपके परमानेंट टैटू नहीं है फिर भी आपको बार कर दिया, ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपके नहीं है, आप बार हॉस्पिटल में दिखाए आपके नहीं है लेकिन वहां पर आपको मेडिकल में फेल कर दिया, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो, समझ गए बात को? आप उसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज कैसे कर सकते हो? आप किसी वकील के द्वारा उसको चैलेंज कर सकते हो। पहले आप उसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के काउंटर पे चैलेंज कर सकते हो, दूसरा फिर आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अगर आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी केट में सुनवाई नहीं होती है तो फिर आपको वो चैलेंज कहां करना है, उसकी पिटीशन फाइल करनी है हाई कोर्ट में, तो फिर आपकी हाई कोर्ट से मदद हो जाएगी, दोबारा आपका मेडिकल हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप ये काम तभी करिए क्योंकि आपको चैलेंज करने के लिए सबसे पहले वो चीज साबित करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए मेडिकल रूल में जो चीज दी हुई है आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि सर यहाँ मेडिकल रूल में ये चीज दी हुई है, जबकि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बाहर से मुझे डॉक्टरों ने फिट बताया, मेरी आई 6x6 है, लेकिन वहां पर गलत बताई गई, तो आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हो। यानी हर एक पॉइंट को आपको चैलेंज करने का अधिकार है, समझ गए बात को? इसका पूरा स्टेप टू स्टेप कैसे होता है वो आप जब आप किसी वकील के पास में जाओगे हाई कोर्ट के, तो आपको सारी चीजें समझा देगा, उसकी राय लेके आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है? दो से चार लोग मिलके भी कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो, और उससे आपका दोबारा मेडिकल होगा। अगर आपको कोई ऐसी चीज है जिसको आप अभी भी ठीक करा सकते हैं तो भी आप मेडिकल का एक चांस इस प्रकार से ले सकते हो। बाकी और भी आपको कोई इसमें डिटेल की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि मदद कर सकूं, आपके कमेंट के अनुसार अगला वीडियो बना दूंगा, ठीक है? लाड लो, जय हिंद, जय भारत।